हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि कल जो आपके प्रिंसिपल के और वाइस प्रिंसिपल के और आपके पीआरटी म्यूजिक के प्री एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए गए हैं। प्री एडमिट कार्ड क्या, यानी कि आपको डेट बता दी गई है और आपको एग्जाम सिटी बता दिया गया है कि किस दिन आपका पेपर होगा और कहां पे आपका पेपर होगा। इसका मतलब यह है कि पेपर आपके निर्धारित समय पर ही होंगे, यानी कि कोई वहां पे चेंज इसका शेड्यूल नहीं होगा। तो आपको भी तैयारी अपनी जबरदस्त तरीके से कर लेनी है, यानी कि आपका पेपर 21 से 28 के बीच में होगा, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लेनी है। रही दूसरी बात, आपको बताया मैं वीडियो अपलोड करता हूं अपने स्टडी से रिलेटेड, यानी कि हमने किस दिन कितना तैयार किया, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं। अब एक कमेंट ये देखने को मिला, मतलब एक क्या बहुत सारे कमेंट देखने को मिले कि मैथ की प्रिपरेशन कहां से करी जाए, यानी कि मैथ का सिलेबस कुछ और है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां पे चीजें कुछ और आती हैं। ठीक है, इस तरह की क्वेरी आपके सामने यहां पे आ रही है। तो देखो, सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा क्या मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओल्ड भी मॉक टेस्ट होते हैं। जो मॉक टेस्ट जिस चीज का आप ले रहे हैं उसमें रखे जाते हैं, उसको हटाया नहीं जाता है। क्या पता आपने पहले दूसरे तीसरे से स्टार्ट किया होगा, तो इसी वजह से आपको पुराने वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आपको अपनी तैयारी जो करनी है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि सीबीएसई इस बार पेपर कंडक्ट कराएगी और सीबीएसई बहुत ज्यादा सिलेबस के बाहर जाएगी, तो एक या दो नंबर जाएगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। यानी कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो आप सीटेट, आप जब केवीएस का मैथ का सिलेबस देखेंगे तो सीटेट का पहला पेपर और सीटेट का दूसरा पेपर के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस है, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं मैथ में, मेरी बात थोड़ा सुनिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं मैथ सब वाले सब्जेक्ट में, तो आपको सीटेट का पेपर वन और सीटेट का पेपर टू अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर आप सीटेट का पेपर वन भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से आप सीटेट का पेपर वन भी कर लेते हैं, तो आप नॉर्मली 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। अगर आप सीटेट टू का भी फिर सारा पेपर अच्छे, यानी कि जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो, और उसके बाद आप अच्छे खासे सब्जेक्ट वाइज यानी कि चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका 15 क्वेश्चन कम से कम आसानी से टैकल हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि हमको 20 में 18 या 19 नंबर चाहिए, तो आपको 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 2-3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना, आपको सबसे पहले परसेंटेज को थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी दिए जा सकते हैं। तो परसेंटेज को आपको देखना है और लॉस प्रॉफिट, आपका SI यानी CI यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको देखना पड़ेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 18 से 19 नंबर आसानी से आप मैथ में गेन कर सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मैथ में बहुत वीक हैं तो सीटेट का पहला पेपर का जो सिलेबस था, सीटेट का जो दूसरा पेपर है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अगर आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हैं, मेथड को समझ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, तो आप आसानी से 15 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इतना कर लीजिए, क्योंकि आप जो नए मॉक टेस्ट जो अभी रिसेंटली पीछे लगाएंगे तो देखेंगे उसी के हिसाब से आपको सिलेबस के हिसाब से वहां पे क्वेश्चन बनेंगे, तो आसानी से मिलेगा आपको। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कुछ अलग नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है समय कम है, हमको सिलेबस के अंदर ही रहना है। सिलेबस के बाहर हम अभी समय नहीं रह सकते, क्योंकि अगर समय होता तो हम सिलेबस पढ़ते, सिलेबस के बाहर भी जाते। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सिलेबस के अंदर ही वाला मामला पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करें आप मैथ के हिसाब से आपकी सारी क्वेरी दूर हो गई होगी। इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया, ईवीएस कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया, और आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया मैथ कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। यानी कि जितने आपके सब्जेक्टिव वाले पोर्शन थे वो सब हो गए। अब सवाल उठता खाली हिंदी का, तो हिंदी का जब कमेंट आएगा, हिंदी का पूछेंगे लोग, वैसे नॉर्मली हिंदी सबके तैयार होती है। अगर किसी लगेगा कि हाँ हिंदी की जरूरत है, तो हिंदी के लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा, वरना आप तैयारी जबरदस्त तरीके से करें। ठीक है, तो बहुत दूर रहें इन सब चीजों से, 10 चीजों को फॉलो मत करिएगा, कोई एक सिलेक्टिव चीज पर करिएगा, उसी के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, 10 जगह भागने से अच्छा है कि आप 10 घंटा पढ़ाई अलग अलग से करें, इससे अच्छा है कि एक जगह रुक के 10 घंटा पढ़ाएंगे, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आप लगातार सिलेबस के ऊपर काम करें, सिलेबस में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करें, और जितना हो सके क्वेश्चन के इस समय आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कम से कम 20 दिन ही नॉर्मल बचा हुआ है आपका। तो 20 दिन में जितना हो सकेगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ा सा जल्दी वे में क्लियर करिए, उसको जितना प्रैक्टिस हो सके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को रिपीट करिए, तो उसी तरह आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हम भी अब लगाना स्टार्ट करेंगे। 3 तारीख से मैंने मॉक टेस्ट सोचा है,
3 तारीख से मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, उसके बाद जो मेरा मॉक टेस्ट का रिजल्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको एक आइडिया होगा कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, मैंने जो सिलेबस पूरा किया वो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है पूरा किया, या मुझे कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको मदद मिलती है इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि केवीएस में एक सीट चाहिए वो, जो कि हम लोग उसके लिए तत्पर रहें। धन्यवाद।